हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आए हैं जी अंदरून लाहौर, खाने आए हैं जी चिकन तवा पीस। और इसकी इनका नाम है शाह चिकन तवा पीस, ये वाले। और लोकेशन जो है वो है फज्जा सीवरी पार्क, बिल्कुल कॉर्नर पे ये शॉप है। तो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि फज्जा सीवरी पार्क कहाँ से मिलते हैं। तो आए, ये इनका मेन्यू है, मेन्यू दिखाना भाई। तो हम अब लगवाएंगे तवा पीसीस या तवा पीस मखनी, या देखते हैं उनके पास और क्या क्या मिलता है इनके अलावा, अगर कोई उनकी स्पेशल कोई चीज़ है। ये देखिए चिकन का ढेर लगा हुआ है, ये सारा हम लोगों की खाना है। चिकन का ढेर लगा हुआ है इनका, और ये कह रहे हैं शाम तक ये सारा खत्म हो जाएगा। ये बाकी ये तीन तवे इनके पास, एक दो चिकन वाले हैं, तीसरा शामी टिक्की, और एक चौथा जो है वो रिजर्व पड़ा हुआ है ये वाला। जब ज्यादा बिजी हो तो वो चौथे को भी ऑन कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। दुआएं, क्या बना रहे हैं? ये तवा पीस तैयार हो रहा है। कितने अरसे से यहाँ पे आप बैठे हैं? मैं सन 2001 से तवा पीस तैयार कर रहा हूँ इधर। इन्हीं के पास या पहले कहीं और से? हाँ जी, इन्हीं के पास तवा पीस तैयार कर रहे हैं, सन 2001 से तैयार कर रहे हैं। हमारे पास तवा पीस के अलावा बोनलेस होता है, वो मक्खन में हम तैयार करते हैं, और उसके अलावा तवा पीस देसी घी में तैयार करते हैं, और उसके अलावा तवा पीस जैतून के तेल के साथ तैयार करते हैं। इस तरीके मुख्तलिफ किस्म से ये तवा पीस तैयार होते हैं, कस्टमर की डिमांड के साथ ये तवा पीस तैयार होते हैं। जब मैं इस मार्केट में आया था तो उस दौर में सन 2001 था, तो उस दौर से ओपन भी 2001 से हुआ है, उससे पहले से हुआ है ये। उससे पहले से हुआ है। हाँ जी, चले ठीक है, चेक करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह का। ठीक है जी, आपको स्पेशल तवा पीस तैयार करके खिलाते हैं जी, आप बैठे। बहुत शुक्रिया। ये जो अभी भाई रोटी लेके गया, ये वाली क्या कहते हैं इस रोटी को? चपाती रोटी। चपाती रोटी, ये जी इनकी सिटिंग का सेटअप है। अपस्टेयर जो है वो फैमिली। ये मैनेजर साहब का कैमरा बैठा हुआ है। ये फास्ट फूड भी करते हैं? अच्छा ये जी अभी फास्ट फूड भी करते हैं, ये उनका अंदर का मेन्यू है।
बड़ी है, यहाँ से भी मेरे ख्याल ऊपर जाने का रास्ता है फैमिली के लिए, और वहाँ से भी है। काफ़ी बड़ा सेटअप है इनका। ऊपर फैमिली के लिए ये क्या बटर मक्खन मक्खन वाला ये जी, ये रोटी इसके साथ आती है स्पेशल। तो इस रोटी को क्या बोलते हैं? रुमाली रुमाली रोटी। रुमाली रोटी, अच्छा रुमाली मतलब के रुमाल, रुमाल की तरह। अच्छा, रुमाल की तरह की ये रोटी, ब्रीक रोटी होती है, ब्रीक रोटी। प्रेजेंटेशन तो इनकी अच्छी है, अभी खा के चेक करते हैं कि क्या टेस्ट है इनका। अच्छा जी, सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको रुमाली रोटी के साथ। ये रोटी तो आई थिंक, बल्कि पहले इस तरह करते हैं, इसको सिंपल ट्राई करते हैं। ये जो साइड से होती थोड़ा सा बटर, आउट ऑफ बहुत फिट किस्म का बना हुआ है। ये कौन सी चटनी है? हाँ, इमली आलू खारे। आई थिंक ये ज़्यादा चटनी ज़्यादा स्वीट है, नॉर्मल ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि वो फिर अगर चटनी के साथ ट्राई करेंगे तो इसका अपना टेस्ट चला जाएगा। रुमाली रोटी के साथ ट्राई करते हैं, थोड़ा सा बटर है। रोटी जिस तरह पठानों की रोटी नहीं होती पतली, अब उनको पता नहीं क्या कहते हैं, बट बाकी रिव्यू आपको खाने के बाद देते हैं। अच्छा जी, फूड हमारा फिनिश हो गया, जो तवा पीस था नॉट बैड, और इतना एक्सीलेंट भी नहीं था जिसे मैं कहूँ कि 10 out of 10, मतलब पे अगर आप रेटिंग पे बात करें तो 8 out of 10 मैं इसको दे सकता हूँ। वजह उसकी ये है कि ऑयल बहुत ज़्यादा था, शायद कुछ लोगों को ऑयल पसंद भी होता तो, और ये आप अगर दिखाए खाते खाते ये जमा भी हुआ है, ये देखें ऑयल जमा हुआ। बट एनीवे 8 out of 10, और तवे की मज़े की बात ये है कि मैं समझता रहा कि मेरा जो है ना वो लेग पीस है, तो लास्ट में मुझे पता लगा कि ये चेस्ट का पीस है, तो वो इतना मिक्स कर देते हैं इसको मसाले के साथ और पीसीस कर देते हैं थोड़े थोड़े कि आपको पता नहीं लगता है ये लेग पीस है या चेस्ट की बोटी है, क्योंकि इतना चुई नहीं था। तो 8 out of 10 फ्रॉम माई साइड। जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बेहतर लगा है, क्योंकि मैंने पहले भी एक काफ़ी अर्सा पहले खाया था, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थे, बहुत ज़्यादा, ये इन्होंने जो ग्रीन चिली थी बहुत ज़्यादा थी, ये स्पाइसेस के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, मुझे ये ठीक लगा है। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी इसकी थी, बट ओवरऑल ठीक था। इसके साथ जैसे सॉसेस थी, एक आधी इमली वाली इन्होंने एक सॉस दी थी, वो बड़ी मज़े की थी, उसके अलावा रायता इनका ठीक था, ठीक है, ओवरऑल ठीक था। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।